बहुत ही बर्निंग टॉपिक है. मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस के बाद अगर दूसरी कुछ चर्चा रही है अभी जून या जुलाई महीने में, वो एमएसपी की रही है. अमूमन क्या होता है कि जो दूसरा हफ्ता होता है जून का, उसमें एमएसपी अनाउंसमेंट हो जाती है और खरीफ का जो पैदावार है या जो एकरेज है वो उससे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है. लेकिन इस बार ये फैसला आने में काफी टाइम लगा क्योंकि काफी दिनों से बहुत ही महत्वाकांक्षी एक कह सकते हैं कि एम है यहाँ पे पीएम का कि 2022 तक फार्मर्स इनकम को हमें डबल करना है और यहाँ पे एमएसपी जो है टूल की तरह यहाँ पे इसे अडॉप्ट किया गया है. और यहाँ पे उन्होंने कहा जो फार्मर्स को उनके प्रोड्यूस का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका 1.5% मिलना चाहिए, 1.5 टाइम्स मिलना चाहिए यहाँ पे रिम्यूनरेशन. तो मुझे लग रहा है कि इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स है और इंडिया जैसी कंट्री जिसमें कि 60% अभी भी हम कह सकते हैं कि एग्री बेस्ड है यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है, जनरेशन है, लोग यहाँ पे एंगेज है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन फिर भी जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे कम है. तो क्या ये जो एमएसपी हाइक है 1.5 टाइम्स जो हो रहा है ये हेल्प करने जा रही है इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन फार्मर्स को? पहले यहाँ पे कुछ कंसर्न यहाँ पे है, 33,500 और यहाँ पे एक कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा यहाँ पे गवर्नमेंट को स्पेंड करना होगा, जीडीपी का ये 0.2% है. तो ये हम कह सकते हैं कि खर्चा है और इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि ऑलरेडी प्राइसेस, क्योंकि जब यूपीए एनडीए यूपीए गवर्नमेंट हटी थी और एनडीए गवर्नमेंट जब यहाँ पे आई थी तो क्रूड के प्राइसेस काफी नीचे थे, $30-$32 के करीब ट्रेड हो रहा था. वो क्रूड अभी यहाँ पे आपको $70 से ऊपर है. तो लगभग, और जो की सबसे ज्यादा बड़ी इम्पोर्टेड कमोडिटी है और इम्पोर्ट बिल जो है वो सबसे ज्यादा क्रूड का आता है मेरे ख्याल से, और ऑयल सीड्स जो है गोल्ड है उसके बाद आते हैं यहाँ पे. तो एक तरफ आता हुआ चुनाव, दूसरी तरफ फूड के बढ़ते प्राइसेस और तीसरी तरफ यहाँ पे फार्मर्स को एमएसपी से नीचे मिलता हुआ प्राइस, क्योंकि इस बार जिस तरीके से पैदावार अच्छी हुई वो इकोनॉमी के लिए अच्छी न्यूज है. दलहन तिलहन में हम लोग जो कि इम्पोर्ट बेस्ड है यहाँ यहाँ की इकोनॉमी, लेकिन हम लोगों ने देखा कि इस बार दलहन तिलहन की बम्पर पैदावार हुई, पिछले बार भी हुई, और स्टॉक्स जो है वो काफी जमा हो गए और फार्मर्स को एमएसपी से नीचे यहाँ पे अपने स्टॉक्स को बेचना पड़ा. सरकार की चिंता जायज थी और यहाँ पे किसान भी परेशान थे. तो यहाँ पे जिस तरीके से 1.5 टाइम्स बढ़ाया गया यहाँ पे एमएसपी, तो इसका क्या एक्चुअल इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे आएगा, इंडियन फार्मर्स पे आएगा? एक रिपोर्ट के मुताबिक 6-7% किसानों को ही यहाँ पे जो सरकारी जो प्रोक्योरमेंट है वो एमएसपी के प्राइस पे बेच पाते हैं, बाकी जो किसान हैं उन्हें मंडियों में जाके यहाँ पे बेचना पड़ता है अनाज को. दूसरी चीज ये है यहाँ पे एक जो कंसर्न यहाँ पे है वो है कि आप यहाँ पे जो सरकार है वो 23-24 फसलों की एमएसपी को डिसाइड करती है, लेकिन ओवरऑल देखें तो 109-110 क्रॉप है. तो जो किसान वो 109-110 क्रॉप 24 के अलावा जो क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इस फैसिलिटी से जो कह सकते हैं या जो सरकार के ये जो फैसला है उसके सुख से वंचित रहेंगे और उन्हें वो जो फैसिलिटी है वो नहीं मिल पाएगा. एक तीसरी बात यहाँ पे है एक्सपोर्ट का, क्योंकि अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन पैरिटी चाहे वो स्पाइसेस हो या ऑयल सीड्स हो या यहाँ पे हम दलहन की ही बात कर लें, जो इंडियन पैरिटी है वो थोड़ी सी यहाँ पे कॉस्टली है. अगर एमएसपी सरकार यहाँ पे बढ़ाई रही है और बाहर के मार्केट में हमारा जो भाव है वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा, जो पैरिटी है वो डिफरेंसेस यहाँ पे बढ़ेंगे और इंडिया की तरफ जो एक्सपोर्ट का रुख है वो यहाँ पे कम होगा और जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे प्रभावित हो सकता है. तो ये एक तीन कंसर्न्स यहाँ पे हैं मेरे. एक तो है यहाँ पे कि जिस तरीके से बाकी जो फसलें हैं उसमें भी एमएसपी हो. दूसरी चीज है यहाँ पे कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री को बनाने के लिए आपको मार्केट में प्राइसेस को कॉम्पिटिटिव रखना होगा.